हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और हम लोग कवर कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में, जिसमें कि बताया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बताया गया शिक्षा संबंधी अधिकार, साथ ही संस्कृति से संबंधी कौन कौन से अधिकार हैं। और आज ही की डेट में हम लोग कवर करने वाले हैं अनुच्छेद 31 को भी, जहाँ पर संपत्ति के अधिकार को बताया गया था। तो ये सब टॉपिक आज ही हम कवर करने वाले। तो आइए देखते हैं कि आज किस तरह से हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने को मिल सकते हैं। ठीक है, जिस किसी को हमारे PDF नोट्स या क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स या करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, वो विजिट करें हमारे वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.study91.org। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब। भाई कब करोगे? आपको एहसास नहीं होता कि वाकई में अच्छा चैनल है? हाँ, पढ़ने के बाद लगता नहीं है। अरे पढ़ने के बाद लगेगा कैसे? जब आप पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करोगे, एग्ज़ाम दोगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी तो लगेगा। तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करो, क्योंकि डेली हम लोग 3 से 4 वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर आप डेली इतने वीडियो कवर नहीं करते हो तब तो बहुत पीछे चले जाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये काम आप ज़रूर करिए। इसके अलावा एक आखिरी सूचना आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ मेरे भाई बहन, वैसे जितने भाई हैं बड़े कंजूस टाइप के होते हैं, बात सुनते नहीं, लेकिन जितनी बहन हैं वो सबके सब बात सुनती हैं, तो प्लीज़ इतना आप ज़रूर करना कि किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ उसको पूरा देखिएगा, उसको स्किप मत करिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में बताए गए हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ने चलते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 29, और उसके साथ मैं पढ़ाऊंगा आपको सब आर्टिकल 1 के बारे में। इसमें बताया गया कि भारतीय क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के, अब जाहिर सी बात है अगर हमारे देश के नागरिक होंगे तो उन्हीं को जो है संविधान से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए किसी भी वर्ग को, नागरिक के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 29। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है सर, ये बता दीजिए। तो देखिए आप लोग सुनिए ध्यान से, जैसे मान लो भारत में कोई भी क्षेत्र है, कोई भी एक छोटा क्षेत्र मान लो आपके आसपास का हो सकता है, कोई ऐसा गांव हो, ठीक है, जहाँ पे कुछ लोग निवास करते हों, लेकिन उनकी जो भाषा है आपकी भाषा से थोड़ी हटके है, मतलब कोई विशेष भाषा है। लिपि, देखिए भाषा होना जरूरी है और हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। लिपि मतलब कोई भी भाषा होगा ना, तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम नितिन है तो नितिन कैसे लिखा जाता है, ये लिपि हो गया। ठीक है, ये अलग बात है कि हम देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं तो ये क्या है, लिपि है, यानी हर एक चीज़ की एक लिपि होती है। लेकिन अगर मैं जैसे भोजपुरी की बात कर लूँ तो भोजपुरी भाषा में नहीं आता है, ठीक है, अभी तक उसको भाषा में नहीं रखा गया है, क्योंकि भाषा में कुल जो है अलग जितनी भाषाएं उनका उल्लेख संविधान में किया गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो भाषा के साथ साथ उनकी अपनी लिपि भी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो लिपि या संस्कृति होनी चाहिए और उसे बनाए रखने का अधिकार भी उन्हें मिलता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखना होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की बात है, यानी वो अल्पसंख्यक के कैटेगरी में आएंगे और उनके हितों की रक्षा करना भी किसका दायित्व है, हमारे संविधान का ही दायित्व बनता है। अनुच्छेद 29 का सब आर्टिकल 2 कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त या पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। क्या गलत लिखा है, ये बात सही नहीं है? आप ही बताओ। सपोज करो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी शिक्षा संस्थान है और वो राज्य के द्वारा सहायता उसको मिलता है, राज्य निधि से उसको फंड मिलता है अपना स्कूल चलाने के लिए, ठीक है, तो क्या वो किसी आधार पर वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को वंचित कर सकता है पढ़ाई से? नहीं, और ख़ास करके धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा इन सब के आधार पे तो कतई नहीं कर सकता है। और यही बताया गया अनुच्छेद 29 के सब आर्टिकल 2 में। ठीक है, और अनुच्छेद 30 जो है दोस्तों ये कहता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार होगा। याद रखिए, चाहे धर्म का मामला हो चाहे भाषा का मामला हो, दोनों ही मामले में जो अल्पसंख्यक हो, कल ही मैंने बताया था आपको अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जिनका जनसंख्या में 50% से कम हो राज्य स्तर पर, वो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। जैसे अगर हम हिंदू हैं, ठीक है, अगर हम हिंदू हैं धर्म की बात करें, ठीक है,
तो हमारा हम बहुसंख्यक में आते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है वो पूरे भारत में 80% है, ठीक है, और अगर राज्य के हिसाब से भी लोगे तो हर एक राज्य में 50% से ऊपर हिंदू तो है ही है। इसका मतलब जो बौद्ध है, जो सिख है, जो जैन है, जो मुस्लिम संप्रदाय है, या जो एंग्लो इंडियन वगैरह में आ गए, ठीक है, पारसी वगैरह हो गए, ये सभी के सभी आपके अल्पसंख्यक में आते हैं, ठीक है। तो चाहे धार्मिक आधार पर या भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर भी अल्पसंख्यकों की गिनती होती है, ठीक है। तो इन दोनों की अगर कोई भी अल्पसंख्यक है तो अपने रुचि के हिसाब से वो किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन बना सकता है, उसका मैनेजमेंट कर सकता है, करना ही चाहिए। अभी देखो ना, आप देखो, सीधे सीधे देखो, मदरसा बना होता है कि नहीं? मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं तो क्या वो लोग मदरसा नहीं चलाते हैं? तो मदरसा की स्थापना और उसका प्रबंधन ये करने का अधिकार भी उन मुस्लिम बंधुओं को दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही बताया गया अनुच्छेद 30 में, वो किसके तहत ये उनको अधिकार मिला हुआ है, तो अनुच्छेद 30 में। अब बात आती है कि अल्पसंख्यक का अभिप्राय क्या होता है, ध्यान समझिएगा। संख्यात्मक रूप में जिस समुदाय की आबादी 50% से कम हो उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, यह मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं। आगे कह रहा है कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाएगा, अखिल भारतीय स्तर पर नहीं। ये जो गिनती आप कर रहे हो 50% वाला, ये अखिल भारतीय स्तर पर नहीं, ठीक है, नहीं तो कंपेयर किससे करोगे? इसका मतलब है कि राज्य स्तर पर ही होगा, क्यों? क्योंकि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ है, ठीक है, इसलिए ऐसा होना जरूरी है। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये बार बार जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था, इसकी मीनिंग समझिए। वे शैक्षणिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं मतलब जहां पे शिक्षा दीक्षा दिया जाता है, वे शैक्षणिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित किया गया है, जैसे मदरसा, ठीक है। वर्ष 2006 में एक केस था दोस्तों, TMA पाई फाउंडेशन, ठीक है। इस वाद में यह कहा गया कि राज्य के द्वारा आर्थिक अनुदान प्राप्त करने से अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर राज्य के द्वारा उसको किसी तरह की सब्सिडी, किसी तरह का आर्थिक अनुदान दे दिया गया तो उस पे उसके जो है प्रकृति पर कोई फर्क पड़ जाएगा, नहीं, तब भी वह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था ही रहेगी। ये डिसीजन किसमें दिया गया था? TMA पाई फाउंडेशन के वाद में डिसीजन आया था। अच्छा, इनकी स्थापना और प्रबंधन के अधिकार का अभिप्राय क्या है? जो मैंने कहा कि अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया जाता है वो अपनी रुचि के अनुसार, ठीक है, ये प्रबंध कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? कह रहा है कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को शैक्षणिक संस्था के शुल्क निर्धारण का भी अधिकार होगा। इनको अधिकार है कि ये अपने इंस्टीट्यूशन के लिए एक मिनिमम शुल्क या जो भी शुल्क इनको निर्धारित करना, वो जो है अधिकार इनको दिया जाता है। परंतु न्यायालय ने यह भी कहा है कि शैक्षणिक संस्थाएं व्यावसायिक संस्थाएं नहीं हैं, वो बिजनेस पर्पज से ओपन नहीं की गई हैं, वो कमर्शियल नहीं है, इसलिए उन्हें डोनेशन लेने का अधिकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, शुल्क लेने का अधिकार है लेकिन डोनेशन लेने का अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को शुल्क लेने का अधिकार है लेकिन डोनेशन लेने का अधिकार नहीं है। डोनेशन वाला अधिकार तो किसी तरह की शैक्षणिक संस्थाओं को नहीं है, ठीक है। फिलहाल अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो आज के ज़माने में दोस्तों बड़े बड़े स्कूल हैं, उसमें आपको दाखिला लेने के लिए डोनेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो खैर वो इलीगल केसेस में आता है, ठीक है, लीगली वो गलत है। आगे देखिए, शैक्षणिक संस्थाएं संस्थान में अल्पसंख्यकों के प्रवेश की मात्रा का भी निर्धारण कर सकती हैं, बशर्ते प्रवेश की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। कह रहा है कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ठीक है, ये अपने संस्थान में अल्पसंख्यकों के प्रवेश की मात्रा का निर्धारण स्वयं करेंगी। स्कूल बनाई हैं, उसका फी डिसाइड की है, ठीक है, और प्रवेश की मात्रा का भी निर्धारण खुद कर सकती हैं, लेकिन जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है, पारदर्शी तरीके से अपना काम करें। अच्छा, क्या कोई ऐसा भी मुद्दा है जिस मुद्दे पर सरकार संस्थाओं पर नियंत्रण कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें सरकार का हस्तक्षेप होगा, वो इस पर नियंत्रण रखेगी। जैसे क्या? जैसे शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता का निर्धारण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में भी एक समान रूप से लागू होगा। तो वहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी एबिलिटी, उनकी योग्यता क्या है, यह निर्धारण किसका, ये किसके निर्धारण का विषय है, ये सरकार निर्धारित करेगी। शैक्षणिक सत्र का भी निर्धारण कौन करेगा? तो सरकार निर्धारण करेगी कि किस जो सत्र है आपका कब से और कब तक स्टार्ट होगा और कब इसका अंत होगा। जो अकादमिक अर्हता है,
ठीक है, क्वालिफिकेशन है, उसको सुनिश्चित करने का भी अधिकार किसको दिया गया है, सरकार को दिया गया है, तो याद रखिएगा। अच्छा एक और केस है दोस्तों यहाँ पर, सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है ये केस है। इस मामले में यह कहा गया कि राज्य से सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपने विशिष्ट समुदाय के लिए 50 सीटें आरक्षित कर सकता है। कितनी सीटें? 50 सीटें आरक्षित कर सकता है, एक बात याद रखिएगा, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, ठीक है, या अपने विशिष्ट समुदाय के लिए 50 सीटों को रिजर्व कर सकता है। 50% की नहीं बात कर रहा हूँ, 50 सीटों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 30 सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। तो यहाँ तक की बातें थी दोस्तों हमारे अनुच्छेद 30 से संबंधित। अब अनुच्छेद 31 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ बताया गया है संपत्ति के अधिकार को, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और हर बार लगभग एग्जाम में एक क्वेश्चन संपत्ति के अधिकार से बन ही जाता है, लेकिन बड़ा आसान बनता है, लगभग सभी लोग इस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं। फिलहाल चलिए आगे देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और ये टॉपिक कह रहा है कि संविधान का जो अनुच्छेद 31 है ये संपत्ति के मूल अधिकार प्रदान करता है और उसे संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को अब एक विधिक अधिकार के रूप में मान लिया गया है। एक मोटी मोटा बात जो आप 4 लाइन में पढ़ सकते हो यही है, ठीक है। पहले जब हमारा मूल अधिकार बना था उस समय संपत्ति के अधिकार को हमारे मूल अधिकार में जगह दी गई थी, कहाँ पर? अनुच्छेद 31 में। अब इसको हटाकर ये कहाँ भेज दिया गया है? अनुच्छेद 300 क या 300 ए में भेज दिया गया, ठीक है। किसके माध्यम से? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, जो कि 1978 में हुआ था, याद रखिए। लेकिन इसके पीछे की जो लड़ाई है वो कितनी लंबी है, उस लड़ाई के बारे में हम चर्चा करते हैं। करा मूल संविधान में संपत्ति के कौन कौन से अधिकार उल्लेखित थे या कौन कौन से अधिकार दिए गए थे? मूल संविधान जब संविधान बना था उस समय क्या अधिकार थे? तो बता रहा है, वही अधिकार आपको बताया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो जाहिर सी बात है मान लीजिए आप कहीं घर बना के रहते हो, ठीक है, वहाँ पे आपका परिवार रहता है, तो अगर कोई सरकार ऐसा कानून बनाती है संसद के द्वारा या आपके विधानमंडल के द्वारा, इस तरह का कोई कानून बनता है जिसके अनुसार आपको संपत्ति छोड़कर हटना पड़ेगा, तभी आप हटोगे। और ऐसा नहीं ना कि आपका पड़ोसी कह देगा कि भाई घर छोड़ के चले जाओ, या आपका कोई नेता गुंडा मवाली कह देगा आप चले जाओ, तो आप ऐसा नहीं करोगे, तब वहाँ से छोड़ के नहीं हटोगे। क्यों? क्योंकि तब आपकी रक्षा करने के लिए न्यायपालिका मौजूद है। लेकिन इस कंडीशन में अगर खुद संसद या खुद विधानमंडल या विधि बना करके आपके संपत्ति से आपको वंचित किया जाता है, तो फिर आपको अपनी संपत्ति को त्याग करके वहाँ से हटना पड़ेगा। अब इसके लिए प्रतिबंध भी दिया गया है, कहा जा रहा है कि संपत्ति जो है सार्वजनिक हित के लिए लिया जा सकता है, यानी सरकार का जो मंशा होगा वो कोई ना कोई सार्वजनिक हित होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर सरकार किसी से उसका भूमि अधिग्रहित करती है तो किसी सार्वजनिक हित के मंशे से ही करती है, उसमें उसका कोई अपना जो है पर्सनल प्रॉफिट नहीं होता है, वो सरकारी जो काम होता है वो सार्वजनिक हित के लिए होता है। सपोज करो अगर आपका कहीं खेत है और वहाँ से सरकार मान लो कोई बिजली के खंभे लेके जाना चाहती हो, तो वो उसके रूटीन में है, तो वहाँ से आपको अपने खेत में उतनी जगह देनी पड़ेगी, मजबूरन देनी पड़ेगी, आप ना चाहते हुए भी आपको ये काम करने होंगे, ठीक है। या मान लो आपका घर जो है किसी हाईवे पे आ जाता है या रेलवे पटरी किनारे आ जाता है, जहाँ पे अब सरकार एक्सपेंड करना चाह रही है और बढ़ाना चाह रही है उस प्रोजेक्ट को, तो ऐसे में आपको वो जगह खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिए, वही आपसे कह रहा है कि संपत्ति जो है वो सार्वजनिक हित के लिए लिया जा सकता है। सॉरी, आगे है कि संबंधित व्यक्ति को मुआवजा भी देना होगा। जाहिर सी बात है, आप किसी का संपत्ति अगर सरकार ले रही है तो उसका मुआवजा भी वो देगी। अब एक अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 19(1) का सब आर्टिकल है F, जिसको हम चौथ बोलते हैं, तो उसके अनुसार कहा गया कि किसी भी नागरिक को संपत्ति के अर्जन एवं विक्रय का अधिकार होगा। अब ये तो यार उसका उल्लंघन हो गया, क्योंकि सरकार उसे उसकी संपत्ति छीन ले रही है। नहीं तो आगे देखिए, विवाद का कारण क्या है, क्या समस्या बना था, ये समस्या सुनिए। देखिए हुआ क्या कि राज्य सरकारों के द्वारा भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित विधियों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों की रक्षा करते हुए इन नियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं, हम किसी भी तरह की टीका टिप्पणी मूल अधिकार के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जो भी वहाँ पर दिया गया था, PIL दाखिल किया गया था, वो सब का सब एक तरफ से जो असंवैधानिक घोषित कर दिया उच्चतम न्यायालय ने, खुद सुप्रीम कोर्ट ने।
अभी संसद के पास क्या रास्ता था, अभी संसद को तो मजबूरी में काम करना पड़ेगा, और उन्होंने पहला संविधान संशोधन कर लिया और क्या किया कि संपत्ति के अधिकार को सीमित करते हुए अनुच्छेद 31 में 31 ए और 31 बी को लाके जोड़ दिया। ये जो 31 था इसमें ए और बी ला करके जोड़ दिया गया। अब दोस्तों ये 31 ए और 31 बी क्या है, तो अनुच्छेद 31 ए में मैं डिटेल से लिखा हूं, यहां पर सुनिए। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को सीमित करते हुए यह कहा गया कि राज्य के द्वारा किसी खान का स्वामित्व अपने हाथों में लिया जा सकता है। किसी भी खान, अगर कहीं पे खान है जहाँ खुदाई उदाई होता है, तो उसका ओनरशिप राज्य अपने हाथों में ले सकती है, राज्य मतलब राज्य सरकार, ठीक है। जमींदारी का उन्मूलन किया जा सकता है, ठीक है। किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है, अथवा दो व्यापारिक इकाइयों का विलय भी किया जा सकता है, और इस आधार पर कोई भी व्यक्ति संपत्ति के अधिकारों के लिए उच्चतम न्यायालय के सामने दरवाजा नहीं खटखटाएगा। ऐसा एक नियम बन गया जो कि लाया गया कब, पहले संविधान संशोधन नियम के तहत लाया गया, और अनुच्छेद 31 में ला करके दो सब आर्टिकल ऐड किए गए, ए और बी, या कह दो एक और दो ला के यहाँ पे ऐड कर दिया। तो सब आर्टिकल जो वन है वो यही बात कहता है, सब आर्टिकल जो टू है यानी जो बी वाला है वो क्या कहता है, कह रहा है इसके अंतर्गत नौवीं अनुसूची का निर्माण किया गया, नौ से नौवीं, ठीक है। तो याद रखिएगा न से नियम, ठीक है, तो नियम बताया गया, और कैसे नियम, भूमि अधिग्रहण संबंधित नियम बताए गए, जिसे राज्य सरकारों द्वारा निर्मित जमींदारी उन्मूलन विधियों को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया गया। तो याद रखिए, आगे देखिए, नौवीं अनुसूची में शामिल किसी भी विषय को उच्चतम न्यायालय इस आधार पर अवैध नहीं कर सकता है कि इसे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। शुरू में तो उल्लंघन हो गया, उन्होंने खारिज कर दिया, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके लाके ऐड कर दिया गया, तो अब क्या करेगी, अब तो जो जज साहब हैं और अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको तो अपना डिसीजन देना पड़ेगा उसी आधार पर ना, जो नियम कानून है। तो मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो हो, अगर नौवीं सूची में वो विषय शामिल है तो उसके आधार पर जो है यहाँ पर कोई भी परिवर्तन चेंजेस नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, एक वाद भी हुआ था दोस्तों, वाद मतलब एक केस था, बेला बनर्जी वाद। उसमें क्या हुआ, उसमें कहा गया कि जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि मुआवजा जो होना चाहिए पर्याप्त तो होना चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी भूमि अधिग्रहण तो कर लिए, ठीक है, भूमि अधिग्रहण कर लो, कानून ला दिए, अभी कर सकते हो, इसके पहले नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा था, अभी आप कर सकते हो क्योंकि कानून बन गया है, लेकिन जो व्यक्ति होगा उसको पर्याप्त मुआवजा देना होगा, कोई मनमानी इसमें नहीं होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप संसद ने चौथा संविधान संशोधन भी कर दिया, और उसमें यह प्रावधान किया कि मुआवजे की पर्याप्तता का निर्धारण न्यायपालिका नहीं करेगी, न्यायपालिका नहीं है, ठीक है, उसकी निर्धारण हम करेंगे कि किस व्यक्ति को किसी संपत्ति का कितना रुपया देना है, एक गुना देना है, उतना ही देना है, दोगुना देना है, चार गुना देना है, कहीं कहीं तो 8-8 गुना, कहीं कहीं तो 20-20 गुना तक का मुआवजा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो संपत्ति की कीमत है उसकी दुगुनी, तिगुनी, चारगुनी, पाँचगुनी, छःगुनी, आठगुनी प्राइस जो है सरकार देती है, ताकि वह जगह आप जो है खाली कर दो। तो याद रखिए, मुआवजे की पर्याप्तता का निर्धारण न्यायपालिका नहीं करेगी, चौथे संविधान संशोधन में यह कहा गया। अच्छा, इंदिरा गांधी के द्वारा संपत्ति के अधिकारों पर एक अतिक्रमण भी किया गया, और उसके बारे में देखिए क्या कहा जाता है। आरसी कूपर नाम का एक केस था, ठीक है, जो लोकप्रिय रूप से बैंकों के राष्ट्रीयकरण का केस कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी उस समय असंवैधानिक घोषित कर दिया था। एक और केस था माधवराव सिंधिया वाद, जिसे लोकप्रिय रूप में प्रीवी पर्स या वार्षिक वेतन वाद कहा जाता है, उसे भी उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था। परिणाम स्वरूप 1972 में 25वां संविधान संशोधन किया गया, और मुआवजे को अनुच्छेद 31 से हटा करके, वहां पर मुआवजा शब्द को हटा करके राशि शब्द का प्रयोग किया गया। क्या समझ में आया, राशि शब्द का प्रयोग किया गया। और जो 1978 का संविधान संशोधन था 44वां, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को ही मूल अधिकारों से हटा दिया गया, और उसे 301 के तहत जो है विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार घोषित करके छोड़ दिया गया, ठीक है। तो याद रखिए, कुल मिला जुला कर इतनी बात थी, ठीक है। तो मोटी मोटा बात जो हमको इस अनुच्छेद में समझ में आता है वो दो तीन बातें हैं। क्या बात है कि एक तो हमने अल्पसंख्यकों से संबंधित चीज़ों को पढ़ा और देखा, और दूसरा देखा अनुच्छेद 31। तो 31 में दोस्तों सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती है, और उनके सरकार के खिलाफ आप जो है कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि उसका मुआवजा भी सरकार आपको देगी, ठीक है, लेकिन जो यह भूमि अधिग्रहण करती है उसके पीछे जो सरकार की मंशा होती है वो सार्वजनिक हित होता है, ठीक है, उसका कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं होता उसमें। सार्वजनिक हित के लिए वैसा कर सकती है, और यह अधिकार उसके पास है, और इसमें कोर्ट जो है किसी तरह का
आनाकानी भी नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि उसको भी संवैधानिक दायरे में रह के अपना काम करना है, तो ये चीज़ें होती हैं। आगे के चैप्टर में दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अनुच्छेद 32 की तरफ, और अनुच्छेद 32 में मैं आपको पढ़ाऊंगा रीट के बारे में। मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए रीट जो है जारी करता है, और ये रीट 5 तरह की होती है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, ये 5 तरह की रीट होती है। तो रीट मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप जो है ये जान सको कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो क्या है। हालांकि इसके बारे में पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ काफ़ी डिटेल में, बट एक बार फिर से मैं जो है इस पर आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 32 के बाद 33, 34 और 35 की तरफ, ठीक है। तो 33 में हम लोग देखेंगे प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में क्या नियम कानून है, वो भी एक मूल अधिकार, हालांकि उनका निलंबन हो चुका है, ठीक है, याद रखिए। और 34 उसका भी निलंबन किया जा चुका है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो जाती तो उसके उससे संबंधित जो नियम कानून दिए गए थे, और ये दोनों मूल अधिकारों का निलंबन हो चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। हो क्या चुका है मतलब इनका निलंबन कर सकती है संसद, विधि बनाकर कर सकती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं तो याद रखिएगा। और उसके बाद हम पहुंचेंगे अनुच्छेद 35 की तरफ जो कि मूल अधिकार का आखिरी पार्ट होगा, ठीक है। और फिर ये चैप्टर समाप्त होने के बाद तुरंत मैं आपको पढ़ाऊंगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉलिटी जो है एकदम अंतिम अवस्था में पहुंच जाएगा, और जो कुछ बचे खुचे टॉपिक होंगे उनको भी मैं कवर करा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर जरूर से करें। देखिए बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर आप शेयर करेंगे तो वहाँ तक वीडियो पहुँचेगा और लोगों को लाभ होगा। जो लोग नए हैं वो भी जान लें कि यहाँ सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस दी जाती हैं, तो आप प्लेलिस्ट में आइए, ठीक है। बिना प्लेलिस्ट में घुसे आप पढ़ाई मत किया करिए, प्लेलिस्ट में आइए, जो भी वीडियो देखना है जिस भी सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट के फोल्डर में जाइए, और वहाँ आप डिटेल से एक एक चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सब बढ़िया है, एडवर्टीजमेंट आता है तो पूरा देखा करिए। थैंक यू सो मच।